अभी तक चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी वहां पर कहीं ना कहीं पीछे चल रही है। उनमें गुजरात के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ
भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है और वहीं हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन वहां भी किया है। हालांकि हर बार हिमाचल में जो है वो सत्ता परिवर्तन का एक रिवाज है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में भी जबरदस्त एक वोट प्रतिशत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। गुजरात की जनता ने तो कमाल किया है और सातवीं बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की लगातार वहां सरकार बनी है यार, लोगों पीछे और एक रिकॉर्ड बना है। इतना प्रचंड बहुमत इससे पहले गुजरात में किसी को भी नहीं रहा। ये जीत का सारा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देश के हर जनमानस की भलाई का काम किया है, वो शहर हो या गांव हो, पहाड़ हो, मैदान हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर व्यक्ति की भलाई का काम मोदी साहब ने किया और ये उसी का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत के साथ लगातार सातवीं बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वहीं हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है, जो वोट शेयर है, मत प्रतिशत है, वो भी उत्साहवर्धक है। हालांकि हिमाचल में हर 5 वर्ष के बाद सत्ता परिवर्तन का एक पुराना हिमाचल का एक रिवाज है, लेकिन फिर भी हम उसको ये महसूस कर रहे हैं कि हिमाचल की जनता ने भी दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और हमें विश्वास है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर भी डेवलपमेंट के काम किए, जम्मू कश्मीर में भी विकास कार्य हुए, जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, डोडा किश्तवाड़ रामबन रियासी हो या कठुआ सांबा जम्मू उधमपुर रजौरी पुंछ हो या कश्मीर घाटी हो, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस मूल मिशन से जो मोदी साहब ने काम किया है और जो जनता की भलाई के काम किए हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जम्मू के डोगरे कश्मीरी पहाड़ी गुजर बकरवाल गद्दी सिपी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी पीओजेके के रिफ्यूजी वाल्मीकि समाज गोरखा समाज दलित समाज महिलाएं समाज के हर वर्ग को इंसाफ जम्मू कश्मीर में मोदी साहब ने दिया है और हमें विश्वास है जो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी असेंबली के जो चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों के बाद प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अपने दम पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, मैं पूरे विश्वास के साथ। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, बस बस।